फ्रेंड्स तैरना है जैसे मर्जी तैर लो, गहरे पानी में तैरना जैसे मर्जी तैर लो। फ्रेंड्स मैं बता दूं, जिन्होंने जो कमेंट करके पूछते हैं कि स्टैमिना कैसे बनाए, अगर तो आप ऐसे स्विमिंग कर रहे हो तो आपका स्टैमिना बनेगा, या ऐसे स्विमिंग कर रहे हो और जो फेस बाहर निकल के तैर रहे हैं उनके स्टैमिना के लिए कोई टिप्स नहीं है भाई। आप बस तैरते रहो और आपका एफर्ट लगता रहेगा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत स्विमिंग आ गई, आप ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्विमिंग सेम स्मूथ हो जाएगी। ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले नाक बंद ही रखें, इसी से ब्रीदिंग होगी। तो फ्रेंड्स ये चेक कर सकते हो, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस चलेगी ना तो धीरे धीरे आप अपने आप, जैसे अभी ये बिगिनर है, ये पूरा सांस मुंह ऊपर करके ये सांस ले रहा है, ठीक है। सीन क्या है कि जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो अपने आप धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगी। तो ये फेस पूरा बाहर निकला धीरे धीरे बहुत कम आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे वो भाई बिगिनर है तो उसकी जो स्विमिंग के सांस लेने की टेक्निक है वो अलग है, पर बिगिनर ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये भी बिगिनर है पर इसमें क्या है कि एक कैक मूवमेंट कम चला रहे हैं, इनको स्विमिंग करनी आ रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पर ऐसे अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे 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 ये सीखते जाएंगे। पर ये नहीं है कि आपको इतना तैरना, आप सीखना बंद कर दो, सीखते रहो, अपनी कमियाँ धीरे धीरे दूर करते रहो, ठीक है ना। पर इतना तैरना का इनफ है। अगर आपको इतना तैरना आता है तो ये मत सोचो गहराई में कैसे तैरें, कम पानी में तैर लेता हूँ, तो पानी के ऊपर फ्लो के पानी के ऊपर तैर रहे हो आप, पानी के अंदर नहीं तैर रहे हो, ये बात याद रखना। तो उसमें लिए कम पानी है चाहे ज़्यादा पानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ में आ रहा है कि क्या सीन है, कि अगर आपकी छोटी छोटी मिस्टेक है वो अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि छोटी छोटी मिस्टेक है ना तो आप नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करो, वहाँ से यहाँ थकने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका स्टैमिना गेन होगा, स्टैमिना बनेगा। पर स्विमिंग करने के बाद कुछ हेल्दी डाइट ले लो, अगर आप वेज हो तो पनीर लो, बनाना शेक पियो, स्प्राउट्स खा सकते हो, और अगर नॉन वेज हो आप बॉयल्ड एग खाओ पीला पार्ट निकाल के, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बॉयल्ड एग खा सकते हो, दूध में आप हल्का सा घी डाल के पियो, ये बेटर होता है, अच्छा होता है। मतलब कि स्विमिंग करने के आधे घंटे के अंदर अंदर आप खा लो ताकि आपको घबराहट ना हो, चक्कर ना हो। तो ये देखो अगर ऐसी स्विमिंग भी आती है, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे हो जाओगे, ठीक है। बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस छोटे पूल में जैसे कई प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये है नोज पिन लगा के भाई स्विमिंग कर रहा है, तो इसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है, नुकसान है। क्या होगा कि आगे जाके इसको सांस लेना नहीं आएगा। सेम पिंक भी ऐसे करता है, तो इधर सारे छोटे हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती वो इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिनको इसके जैसे कम पानी में तैरना आ जाता है, पर क्या होता है कि बड़े पानी में डर लगता है। तो क्या होता है सीन, क्या होता है कि बड़े पानी में जो डरते हैं उनको ये चीज़ थोड़ा समझाना है कि पानी के ऊपर तैरना है, पानी के अंदर नहीं तैरना। जब वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे तो उनको स्विमिंग आ जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे ही देखो पिंक, देखो पैर फंसा के लेटा हुआ है। अब ये तीन तीन चार पाँच, इसको 7 दिन हो गए ना आते हुए पिंक को, हाँ 2 तारीख से आ रहा है, तो आज 16 आया, तो कंटिन्यू आ रहा है। पर इसने स्विमिंग नहीं सीखी, ये कंटिन्यू मस्ती ही कर रहा है। तो सीन क्या है, अगर ये प्रैक्टिस करता है तो इसको ऐसे वाले स्विमिंग आ जाती, पर अभी ये प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सिर्फ मस्ती कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। आगे जशन है, बैठा हुआ जशन, देखो ओ गबरू निकला है, बाहर निकला है पिंक। तो सीन ये है कि प्रैक्टिस करो, मस्ती तो आप बाद में भी कर सकते हो, स्विमिंग सीख लो, ठीक है, सीख लोगे फ़ायदा रहेगा, ठीक है ना। ये उल्टियाँ भज्जियाँ मरियाँ जा रही हैं, ठीक है, आ चक फिर तो मस्ती भी जरूरी है। और पिंक गया डाइव, आप ऐसे ही मार सकते हो, ठीक है। तो सीन क्या है, जब आपको स्विमिंग आ जाएगी तब आप बड़े में आना, और पहली बार आओगे तो पैनिक होने की वजह से डूब भी सकते हो, तो गाइड को साथ में लेके आना, अपने कोच को साथ में लेके आना। अगर आप ऐसे तैर रहे हो और कह रहे हो कि स्टैमिना बढ़ाना है, तो उसकी भाई टिप्स मेरे पास नहीं है। जो कि ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है तो इसकी टिप्स है भाई, आप इसको नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करो और डाइट पूरी करो, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सीन क्या है। अगर आप बिगिनर हो ना, कोई गलती कर रहे हो, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। अगर एक ही गलती बार बार हो रही है और आपको 3-4 दिन हो गया स्विमिंग करते हुए ना, लगातार उसी पे काम कर रहे हो, तो बीच में रेस्ट ले लो, लीव करो, उस काम को करना छोड़ दो, कोई और काम करने लगो, फिर उसके बाद करना, देखना आपकी वो गलती सही हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। केवल ऐसा होता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो स्नेहा जी आज पानी में निकले, अगर ये भी लगातार स्विमिंग करते तो ये भी ऐसे वाले सीख गए होते। तो एक्चुअल में इनके दिन 4 हो चुके हैं, और 4 दिन में ये किकबोर्ड को लेके किकिंग करने लग गए हैं। तो स्विमिंग कमेंट आ रहे हैं, स्विमिंग कितने दिनों में आ जाती है, जो स्विमिंग में एक्चुअल में 4 स्टेप है, 4 स्टेप जब लर्न कर लेते हो उसके बाद ये सारे स्टेप जोड़ने हैं, मतलब कि 4 से 5 दिन में स्विमिंग आ जाती है। पर उसको बेहतरीन करने के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं, फिर आप तैरने लग जाओगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगी।